रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और युद्ध के मैदान में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खास इलाकों में घुसकर हमला कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक बार फिर अपने मुख्य मददगार अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल देने के लिए एक डील के करीब है, जो रूस में बहुत अंदर तक मार कर सकती है, जहां रूस का प्रमुख मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित है। इससे पता चलता है कि अब यूक्रेन रूस की रेड लाइन को पार कर वहां भी हमला करने की तैयारी में है। हालांकि यदि डील तय हो जाती है तब भी यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी के लिए कई महीनों का इंतजार करना होगा। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो रूस की रेड लाइंस के बारे में मजाक न करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक लावरोव ने कहा कि अमेरिकियों ने पहले ही अपनी तय की गई सीमा को पार कर लिया है। वे हमारे रेड लाइंस के बारे में मजाक कर रहे हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि रेड लाइंस कहाँ हैं। आपको बता दें कि अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश पहले ही रूस द्वारा बनाई गई रेड लाइन को पार कर चुके हैं। इससे अमेरिका और रूस के बीच के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराता है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। एक तरफ तो वो युद्ध रोकने की बात करता है और दूसरी तरफ वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है, और अब वो लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की भी एक डील के करीब है। इस बीच रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि रूस अब अपने परमाणु सिद्धांतों को बदलने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ते पश्चिमी विरोध से जुड़ा है। आपको बता दें कि युद्ध के खतरों और इसकी गंभीरता को देखते हुए रूस अपने परमाणु नियमों को बदलने की धमकी कई बार दे चुका है, लेकिन उसको भी पता है कि उसने नियमों में बदलाव किया तो उसके दुश्मन को भी अपने नियम बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर किसी एक ने भी परमाणु नियमों में फेरबदल का प्रयास किया तो इससे बाकी भी अपने परमाणु नियमों को बदलने के लिए मजबूर होंगे, और फिर युद्ध कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है और इस युद्ध का रुख तीसरे विश्व युद्ध की ओर मुड़ सकता है।